मेरी खुशियां बर्बाद करके, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, अरे अपनी बहन का घर बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? जिंदगी तुमने मेरी बर्बाद की है, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली है, सब कुछ तुमने खत्म कर दिया, मेरे पास रहा ही क्या है अब? एक्चुअली मामा ये चाहती थी कि उनकी एक फ्रेंड के बेटे से हानिया की शादी हो जाए, उन्होंने तो बात भी कर ली थी, और अब मैं भी ये चाहता हूँ कि मामा की ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए। हंसी बेटा वो क्यों आएगा? उसे तलाक दे दिया ना तुझे, अब वो नहीं आएगा। जितनी जल्दी तुझे ये बात तेरे पल्ले पड़ जाए वो बेहतर होगा। पागल हो गई है क्या आप? उसने मुझे तलाक गुस्से में दिए। उसने तुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, और यही सच है बेटा। अब जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे बर्बाद करके अब दिलासे देने के लिए आ गई, क्यों? ये क्या कह रही है तू? सारा इल्जाम मुझको? मैंने क्या किया है बेटा? मैंने तो हमेशा तेरी खुशी के लिए जो भी किया सब तेरी खुशी के लिए किया। क्या 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 किया क्या है आपने? झूठ बुलवाए मुझसे, चोरियां करवाई, पेपर चोरी करवाए, घर नाम करवाया, प्रेगनेंसी का झूठा बहाना बनवाया, ये सब तो किया है आपने मेरे साथ। कहां लाकर खड़ा कर दिया? नाजी तुझे इस बात का अंदाजा है कि आज़र तुझे पहले दिन तलाक दे देता अगर उसको पता चलता कि तू बांझ है। जो कुछ आज तक किया तेरी भलाई के लिए किया और तू मुझे कसूरवार ठहरा रही है। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई भी भलाई। सारी भलाइयां कर करके मेरा घर बर्बाद कर दिया, और मजीद क्या भलाई करेंगे मेरे साथ? जा रही हूं नाजी, लेकिन ये खाना यहीं पड़ा हुआ है, भूख लगे तो खा लेना। समझ ही नहीं आ रही तुझे? वालेकुम सलाम गिल साहब, आज़र की तरफ से कोई रिप्लाई आया नोटिस का? प्लीज इस मामले को जल्दी से सॉल्व करें। जी मैं आज खुद ही आज़र साहब से बात कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, अभी बात करें प्लीज। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो, मैं एडवोकेट कमाल अहमद बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी मिस हानिया हैदर का वकील, हमारे मोकल ने आपको एक नोटिस भिजवाया था जिसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया। प्लीज आप कल ही पेपर साइन करके हमें रिटर्न कर दें, वरना वरना क्या आपकी खामोशी आपके खिलाफ चली जाएगी और इसे आपका इकरार समझकर मामला आगे बढ़ जाएंगे। सुलह की कोई सूरत है? बिल्कुल है, हमारी कोशिश तो यही होती है कि फरीकें आपस में सुलह कर लें। तो फिर मैं सुलह करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मोकला से बात करके आपको बताता हूँ। जी अल्लाह हाफिज। छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये क्या किया मैंने? अपने बेटे से औलाद की खुशी छीन ली, उसकी पहली औलाद थी ये। क्या क्या अरमान होते माँ बाप को। बच्चे का पहली बार खड़ा होना,
बोलना और फिर चलना ये सब यादगार होता है माँ बाप के लिए, मगर मैंने तो इस बदकिस्मत से ये सारी खुशियां छीन ली। क्या देख रहे हैं बाबा? अपनी वो जन्नत जिसे मैंने अपने हाथों से अपने घर से निकाला, अपनी वो खुशियां जिसे मैंने अपने आप से और अपने बेटे से महरूम कर दिया। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, तो अपने आप को अजियत देने का क्या फायदा? ठीक कह रही हो बेटा। बाबा भाईजान तो नहीं, लेकिन आप तो इन खुशियों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। कैसे हो सकता हूं बेटा? कुछ दिनों के बाद हानिया मेरे लिए पराई हो जाएगी और वो जाहिर है हमजा को भी साथ ले जाएगी। काश आज ऐसा हो कि हानिया भाभी हमेशा मेरी भाभी रहे। कोई मौजा ही हो सकता है बेटा। अल्लाह करे कोई मौजा ही हो जाए। बेटा मैं तो यही दुआ करता हूँ बेटा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन। कहाँ मर गई है नूरी? हाय नूरी। जी अम्मी क्या हो गया है? किधर है मेरी चाय? कब से काम है, सर फट रहा है मेरा। अम्मी सुबह से मैं घर के काम कर रही हूँ, अभी भी खाना बना रही थी, फुर्सत नहीं है मेरे पास। मैं कौन सा तुझे पहाड़ तोड़ने को कह रही हूँ, एक कप चाय का तो कहा है। तो जाए जाकर अपनी लाडली बेटी से कहे वो चाय बनाकर दे दे आपको। उसको कोई होश हो तो कोई बात करूँ ना, कल से सर मुंह लपेटे पड़ी है। जा जल्दी से, शाबाश, जा जल्दी से बना दे कप चाय। आंटी ये कोई होटल नहीं है जो आप घंटे घंटे में चाय मांगेंगी और आपको मिलती रहेगी। मेरी बात सुन बहू, मैं चाय हर घंटे चाय हर आधे घंटे में मांगू चाय, तुझे बोलने का हक नहीं, समझ आई? ये मेरे शोहर का घर है और मेरे बेटे की कमाई। ना ये घर आपका है और ना ही आपके बेटे की कमाई पे आपका कोई हक है, क्योंकि ये सब कुछ आप खुद ठोकर मार के गए। जब मेरा दिल चाहेगा मैं जाऊंगी और जब मेरा दिल चाहेगा मैं आऊंगी। तेरी बकवास का कोई हक नहीं है। इस घर पर मेरा हक है और इस घर की हर चीज पर मेरा हक है, क्योंकि अब इस घर की मालकिन आप नहीं है, मैं हूँ। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। बड़ी आई तुम मालकिन, मैं मालकिन हूं और जिंदगी भर रहूंगी मालकिन, समझ आई तुझे? अच्छा तो फिर ठीक है, देखती हूँ आज आपको इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कौन चाय देता है। कोई ने चाय नहीं देगा, देखती हूँ आपको चाय कैसे मिलेगी। मैं मर जाऊं, इतनी बदकिस्मत, इकलौते बेटे की बीवी आज एक कप चाय के लिए सांप मांग रही है। मैं मर क्यों नहीं जा। क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना शोर किस बात का है? अम्मी क्या हुआ है आपको? अरे कुछ नहीं आमिर, खाने का वक्त है, चाय मांग रही है, बस मैंने मना कर दिया, इनकी सेहत के लिए, कहीं सेहत ना खराब हो जाए। अब देखो ना इतना शोर शराबा किया है, सिर्फ इतना डांटा है, तुम समझाओ ना, इनके लिए तो बात कर रही हूँ मैं। हाँ तो अम्मी सही तो कह रही है निशो, इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है, चाय के लिए आप रो रही हैं? हमें झूठ बोल रही है, मकान में इसको तो नहीं, जिससे भरने से किया है झूठ बोल रही है। क्या हो गया, क्या हो गया आपको? अम्मी मेरे घर का सुकून बर्बाद करने पे लगी हुई आप, जहां से मारेगी क्या उसको? मेरी बात कान खोलकर सुन ले आप, अगर शराफत से रहना है इस घर पे तो रहे, वरना जाएं यहां से।
चलो मेरे साथ। बाय। मम्मी, बहुत करती हैं आपने। बाजू तोड़ती हैं। बीवी के लिए माँ का बाजू तोड़ती हैं। भाईजान सुना करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यही कहा है वकील ने मुझसे। हो सकता है कि उसके सुनने में कोई गलती हुई हो। किस तरह की बातें कर रही हो शेजी? वो वकील है, प्रोफेशनल है, ठोस सबूत और दलाइल के बाद ही मुझे आके बताएगा ना। इस तरह सुनी सुनाई बात थोड़ी कर देगा। मुझे बस इसलिए यकीन नहीं आ रहा क्योंकि जब भाभी ने मेरे सामने भी उनसे बात करने की कोशिश की है, उन्होंने नफरत से धुतकारा ही है। और वैसे भी वो अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश है। नाजी बाजी के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हैं कि मुझ पे और बाबा पे इल्जामात लगा लगा के हम लोगों को घर से निकलने पे मजबूर कर दी। तो फिर ये सुलह किस लिए? उसके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती, मैं अब उससे कोई भी ताल्लुक रखना नहीं चाहती भाई, और ये मेरा आखिरी फैसला। इसने भी देखा ही क्या था जिंदगी, जो मामा ने इतनी जल्दी इसकी शादी कर दी। मैंने और बाबा दोनों ने मना किया था कि इतनी जल्दी इसकी शादी ना करें, और वो खुद भी नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मामा को इतनी जल्दी थी। हम आप कुछ फैसले ना इंसान को देर से समझ में आते। मम्मी को तो जल्दी जाना ही था और बाबा को भी, शायद इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी सारे फैसले लिए। सही कह रही हो, शायद ऐसा ही होना था, क्योंकि इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग चाहे कर ले, होता एंड में वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर। बेशक। करता हूँ वकील से बात, उसको बताता हूँ हानिया का क्या डिसीजन। क्या ये सब सच है? बकवास कर रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है, सच नहीं है ये। बकवास बंद करो। क्या ये सब सच है? नहीं, झूठ बोल रही है ये झूठ है तो तुम्हारा मिस कैरेज हुआ क्या? ये झूठ नहीं है? और फिर झूठ बोला कि तुम्हारा मिस कैरेज हो गया है। कितना झूठ बोले तुमने मुझसे, कितना झूठ बोले, जबकि तुम जानती थी कि तुम तो मां बनने की सलाहियत ही नहीं रखती हो। लेकिन अब बस, आज मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहिए। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं नाजी, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। ऐसा मत करो, बहुत मोहब्बत करती हूं नाजी मैं। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। और कितना रोगी हानिया, एक बार सबर क्यों नहीं कर लेती? या फिर अपना दिल मजबूत करो और सुलह कर लो उससे, वो भी तो यही चाहता है। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो फिर क्यों रो रही हो? वो जिस तरह मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है, उस पे रोना आ रहा है।
पहले तो भाग भाग कर मुझे तलाक देने के लिए आता था, मैं फोन करती थी तो मुझ पे इल्जामात लगाता था, अपने अपने बेटे के लिए भी एक बार नहीं पूछा उसने, इतनी नफरत करता था मुझसे, तो फिर अब क्या हुआ? क्यों नहीं अपनी ख्वाहिश पूरी करने दी? अब क्यों सुलह करना चाहता है वो मुझसे? ठीक कह रही हूँ, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही, कितनी शदीद नफरत करते थे वो तुमसे और अब कहाँ गई वो सारी नफरत? कहीं वो मुझसे हमसा को छीनना तो नहीं चाहता फातिमा? कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं? शायद तुम ठीक कह रही हो, तलाक के पेपर्स देखकर औलाद की मोहब्बत जाग गई होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि डिवोर्स के बाद तो वो अपनी औलाद पे हक नहीं जता सकते। हमसा सिर्फ मेरी औलाद, वो मेरा बेटा, सिर्फ मेरा। हमसा सिर्फ तुम्हारे, आज़र भाई का कोई हक नहीं उस पे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू मुझे लाख धुतकारे, नफरत करे, बेइज्जत करे, चीखे चिल्लाए नाजी, लेकिन मैं भी तो तेरी माँ हूँ, मैं अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ। दो दिन से इस तरह से भूखी पड़ी है, कोशिश करती हूँ जूस पिलाऊं। नाजी, नाजी बेटा, ये रात को कहाँ गई है? लगता है वहां फिर चली गई है। बिगाड़ रही हो तुम मुझे। मुझे बिगड़े हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। आज़र, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करेंगे? ये जान से भी ज़्यादा। तुम तो मेरी जान, और जान आपसे अलग-अलग तभी होती है जब आप मर जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अब हम इस वक्त कुछ ज्यादा रोमांटिक हो जाए, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। मजा बाय से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। जी वकील साहब। जी जी, क्या बात हुई? क्या वो सुलह नहीं करना चाहते? ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल।
क्या हो गया निशु तुम्हें? हाँ मैंने कहा है ना अम्मी दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। आमिर मुझे आंटी से बहुत डर लगने लगा है। पहले भी वो एक बार तुम्हारी मौजूदगी में और दो बार तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है। अरे मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन उन्होंने ये गैर इरादी तौर पे किया था। परेशान है वो बहुत, दिमाग काम नहीं कर रहा उनका। दोनों बेटियों की जिंदगी जो बर्बाद हो गई है, अब क्या हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगी? देखो आमिर, तुम्हारी बहनों की जिंदगी अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद हुई है, अब उनकी सजा क्या तुम्हें और मुझे मिलेगी? अरे मैं जानता हूं इस बात को यार, तुम परेशान मत हो। हाँ देखो नाजी की तबीयत ठीक नहीं है, नाजी इस कैफियत से निकल आए नॉर्मल हो जाए, अम्मी भी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे। आंटी से अब मैं बहुत घबराती हूँ और नाजी पता नहीं कब ठीक होगी। देखो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस कमरे से भी बाहर निकलूं। अरे तो कौन कह रहा है निकलो भाई? हाँ एक काम करते हैं, मैं नूरी से कहता हूँ वो किचन संभाल ले, तुम्हारा ना खाना पीना जो भी है कमरे में लाकर तुम्हें दे नहीं दी। नूरी से तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही इतनी डिस्टर्ब है वो, किचन में जाके अजीब अजीब हरकतें करती है, कभी अपनी उंगली काट लेती है, कभी अपना हाथ जला लेती है। अरे बच्ची नहीं है वो, उसे अपने हालात से समझौता करना पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ अम्मी से, वो खुद को भी संभाले और अपनी दोनों बेटियों को भी। देखो तुम बस आंटी से कह दो कि किचन संभाल ले, नूरी साफ सफाई देख लेगी, उसे किचन में ना जाने दे, पता नहीं कुछ कर ना ले अपने आप को। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ, समझाता हूँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। हाँ तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, तुम्हें परेशान देखता ना तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ये मुंह देख कर जाऊंगा तो दिन अच्छा गुजरेगा मेरा? अरे परेशान रहूंगा सारा, थोड़ा सोच लो, चलता तुम जाओ। कुछ दिन और रुक जाते बाबा। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं रोज शाम को तुम्हारे साथ आकर चाय पिया करूं। ठीक है। और तुम जानती हो हमजा के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता है। मैं तो कह रही हूँ बाबा कि आप सब यहीं शिफ्ट हो जाएं, वैसे भी मम्मी और पापा के बाद ये घर खाली खाली सा लगता है। हाँ बेटा लेकिन मुनासिब नहीं लगता यहाँ रहना, और शहीर को भी तो अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है ना। मैं भी बाबा के साथ रोज आया करूंगी। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं शहीर से कह दूंगी कि वो ऑफिस के बाद डायरेक्ट यहीं आ जाया करें और फिर आप लोगों को साथ ले जाया करें। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तो सोच रहा था कि मुश्ताक को फोन करूं कुछ कारोबार की भी खबर लूं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको रूटीन की तरफ आना चाहिए बाबा, कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए। भाई मेरा हमजा किधर है, सो रहा है क्या? जी आप कहें तो मैं उठा दूं। अरे नहीं नहीं बेटा उसे मत उठाओ, सोने दो, बस मैं चाय खत्म कर लूं तो फिर हम लोग चलते हैं। हां जा रहे हो, मुझे झूठ के कहाँ जा रहे हो? हाँ छोड़ दो। देख एक सेकंड मेरी बात सुनो, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बात तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज़ी प्लीज। क्या प्लीज? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे, बस सुन लो एक मिनट मेरी सारी बात सुन,
तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। एक बार सुकून से मेरी बात तो सुन। कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा ना। आज़र, आज़र, मेरी बात सुनो। एक बार मेरी बात सुनो। आज़र, दरवाज़ा खोलो। नहीं, आज़र, मेरी बात। आज़र। कहीं नहीं जाऊंगी मैं भी, जब तक बैठी रहूंगी, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। बस ये क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? शायद भाभी के भेजे गए नोटिस के बारे में बात करनी है। हेलो शहीर, शहीर मैं बात कर रहा हूं। मैं हाजिर, हाजिर तुम्हारा बड़ा भाई। कौन भाई? मैं जानता हूं मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन यकीन करो उन सबका खुमियाजा भुगत रहा हूं। बिल्कुल अकेला हूं क्या? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं शहीर, तुम्हें मिलकर सब कुछ समझाना चाहता हूं। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो यार। कुछ कहने सुनने के काबिल कहां छोड़ा आपने? क्या कहूं आपसे? जिसने अपने खून पे शक किया, अपनी बाप की तरबियत पे शक किया, क्या बात करूं आपसे? माफी मांगना चाहता हूं तुमसे यार, बहुत दिल से। गलतियों का एहसास हो गया मुझे। लेकिन बाबा पता नहीं कहां चले गए, ना जाने कहां है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं मैं, कहीं नहीं मिली। लेकिन मेरे बहन भाई तो है ना इस दुनिया में, इनकार मत करो भाई, प्लीज मुझे मुझे एक बार मिलने का मौका तो दो। अच्छा, आपको याद है कि आपका एक भाई और एक बहन भी है? जानता हूं तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, इसलिए तो तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं। एक आखिरी मौका दे दो, उसके बाद भी अगर तुम्हें तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नाराजगी हुई तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार, एक बार मुझे अपने भाई और अपनी बहन से मिलने का मौका दे दो प्लीज। सीन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं मिल लूंगा आपसे, मैं आ जाऊंगा किसी दिन। किसी दिन नहीं, आज। आज? और मैं मिलने आऊंगा तुमसे, तुम प्लीज अपने घर का एड्रेस भेजो मुझे। सोच लेंगे, जिस भाई की शक्ल देखना नहीं चाहते थे उसके घर आएंगे आप। खैर मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा और आने से पहले कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू शहीर। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। पथराए बदन ऐसे, इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल लब को।
अल्लाह, मैंने तो अपनी बच्चियों की खुशियां चाही थी, ये बच्चे तो उजर कर बैठ गई। आखिर मेरी मासूम बच्चियों का कसूर क्या है? कितना चाहती थी आज़र को, भी चाह रही हूँ, उसकी मोहब्बत का असर क्यों नहीं हुआ उस पे? कैसे ठोकर मार के चला गया मेरी बेटी को। या अल्लाह, अगर आज़र नहीं मिल सकता मेरी बच्ची को, तो इसके दिल से आज़र का प्यार निकाल दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे या अल्लाह। जितनी हिम्मत, जितना हौसला, सब आपकी वजह से। टूट गई हूँ, हिम्मत हार गई हूँ, जानती हूँ आप मुझे इतना मायूस नहीं देखना चाहती थी। क्या करूं, कहां से लाऊं वो हिम्मत, कहां से लाऊं मैं आपको? आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे इतना अकेला कर गई आप। हाँ भी प्लीज मत रोए, पहले अल्लाह ने बाबा को ले लिया, मम्मी की सूरत में बाबा नजर आते थे, फिर अब तो मम्मी नहीं रही। भाभी आप ठीक कह रही हैं, माँ अपने बच्चों की सबसे बड़ी गमसार होती है, वो ना हो तो जिंदगी वीरान हो जाती है। मैंने तो अपनी अम्मी को बचपन में ही खो दिया था, उनकी आगोश में ठीक तरह बैठ भी नहीं पाई थी, उनकी ममता को महसूस भी नहीं कर पाई थी, और वो तो चली गई। सब्र करें भाभी, तो ठीक कह रही हो शहजादी, माँ का रिश्ता तो बहुत अजीम है, नसीब है वो लोग जिनके पास माँ। ये तो है, हमाद की कॉल आई थी, अरसान आपसे बात करना चाह रहे। क्यों भाभी? हो सकता है शादी के हवाले से कोई बात हो। अभी तो डिवोर्स का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ, शादी की बात कहाँ से आ गई शहजी? अभी तो बहुत टाइम है, तुम हमाद भाई से कहो कि वो मना करते हैं, मैं फिलहाल बात नहीं कर सकती। लेकिन भाभी आप, बस आते ही होंगे। बाबा जान किधर?
अपने कमरे में आराम करें। उन्हें नहीं पता कि तुम आए हो। उनसे कह रहे थे कि मुझे हानिया के पास लेके चलो, तो मैंने कह दिया उनसे कि शहीद को जरूरी काम है तो कल चलेंगे। ठीक है। Here.